खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रपति भवन में ये समारोह जहां पर राष्ट्रपति ने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। देश के नए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ऐसे बोबड़े को आप देख रहे हैं और ये उनकी माता जी हैं जिनका उन्होंने आशीर्वाद लिया शपथ लेने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति महोदय और तमाम गणमान्य मेहमान यहां पर मौजूद। समारोह का समापन किया जाए। करीब 17 महीने का कार्यकाल रहने वाला है जस्टिस एस ए बोबड़े का। 23 अप्रैल 2021 को वो रिटायर होंगे। तो रंजन गोगोई साहब के बाद अब देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं शरद अरविंद बोबड़े। नागपुर विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री ली। 1978 में महाराष्ट्र बार काउंसिल के सदस्य बने। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में वकालत की। 1998 में वरिष्ठ वकील बने। ২০১৩ में सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए और आज मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने। पानखेड़े जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैंने कहा जो सिंह साहब कह रहे थे कि जो एक परंपरा होती थी गवर्नमेंट का इंटरवेंस होता था और कई बार सुपरसीट हुए हैं, ये भी देखा है हमने इतिहास। लेकिन पिछली बार एक बहुत ताजुब की केस हुई कि जिस चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ जजों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें गोगोई साहब भी थे और लग रहा था कि इस बार नहीं, लेकिन वो परंपरा उन्होंने बाकायदा कायम रखी, मेंटेन की और अपना विरोध जिस जस्टिस ने जज ने किया उसको उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए अनुशंसा की उसकी। ये ट्रांसपेरेंसी वहां से चलती आ रही है। तो ये तो लग ही रहा था कि इस बार गोगोई साहब को ड्रॉप किया जाएगा, सुपरसीट किया जाएगा, क्योंकि वो विद्रोही थे और कर भी सकते थे, ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो परंपरा कायम रखी। मैं उन चीफ जस्टिस को सलाम करता हूँ उसके लिए कि अपना अपोज जिसने किया उसको भी उन्होंने चीफ जस्टिस की अनुशंसा की। उसके बाद में बोबड़े साहब के और गोगोई के संबंध तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन एक बात कहने में बिल्कुल क्लियरिटी ये भी मैं कहना पाऊंगा दावे के साथ कि कई जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ऐसे भी एलिवेट होते हैं जिनका कोई तो भी पॉलिटिकल कनेक्शन होता है या पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत होते हैं। बोबड़े साहब अपने मेरिट के लिए जाने जाते हैं। ये जब नागपुर में थे तो ये सबसे बड़े वकील थे, धुआंधार वकालत करते थे और उनके इंटेलिजेंस के लिए और उनके वकालत के लिए बोबड़े साहब जाने जाते थे। बोबड़े साहब 47 पे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं देश को, उम्मीदें बहुत हैं।